नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 23 जुलाई, कल हमने ऐतिहासिक दौर हमने देखा जिसमें सोने और चांदी दोनों में ही एक बड़ी तेजी आते हुए दिखाई दी। हमने गोल्ड में कल 1% की तेजी देखी और प्राइजेस ने 50,000 का जो माइटी फिगर है वो क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। वहीं चांदी में भी हमने 62,000 का लेवल टेस्ट करते हुए देखा और क्लोजिंग में शॉर्ट कवरिंग के चलते 6.5% की ऐतिहासिक तेजी हमने चांदी में देखी, जो 61,000 के ऊपर मार्केट को क्लोज करता हुआ दिखाई दिया। दोनों ही काउंटर में हमने शॉर्ट कवरिंग देखी जिसके चलते ये तेजी बनी थी। क्रूड ऑयल में भी हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते तेजी जरूर आई, बट एक दायरा बन चुका है क्रूड के अंदर। हम ना 3050 के नीचे जाते हुए देख पा रहे हैं, ना ही 3150 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन कर पा रहे हैं। तो अनलेस एंड अंटिल ये दायरा नहीं तोड़ता है, थोड़ा सा आप सतर्क रहकर ट्रेड कीजिए। कल हमने देखा कि इन्वेंट्री डेटा जो आया था उसमें बिगर देन एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री बिल्टअप दिखाई थी, जो मार्केट को एक मिक्स व्यू दे रहा था। साथ में हमने देखा एनर्जी डिमांड को लेकर, क्योंकि कोविड के केसेस जिस दिन से कंट्री बढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं कंसर्न्स है। नेचुरल गैस में कल लोअर लेवल पे हमने एक अच्छा खासा रिकवरी आते हुए देखी, आज ये रिकवरी कायम रहेगी। 128 का लेवल तोड़ने पे 130 तक का लेवल नेचुरल गैस में देखने मिल जाएगा। वहीं पूरे बेस मेटल में हमने देखा यूएस और चाइना के बीच में जो तनाव बढ़ा था इसके चलते प्राइजेस में दबाव जरूर था, बट ये लेवल पे प्राइजेस सस्टेन नहीं करेंगे। फंडामेंटल अभी भी पॉजिटिव है, सप्लाई साइड कंसर्न्स अभी भी बने हुए। नो डाउट मार्केट में बड़ी तेजी आने के चलते प्राइजेस में हमने थोड़ा कूल डाउन देखा, जहां पे जिंक के अंदर हमने देखा एलएमई वेयरहाउस में सरप्लस दिखा रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव जरूर है, बट अनलेस एंड अंटिल 170 का लेवल नहीं तोड़ता है प्राइसेस में एक बाउंस कंटिन्यू मिलता हुआ दिखाई देगा। निकल में भी हमने देखा कि यूएस और चाइना के बीच में जो कंसुलेट को लेकर एक कंसर्न पैदा हुआ था, जिसके चलते निकल ने भी 1020 के लेवल से सीधा 990 तक का भी लेवल दिखाया। तो ओवरऑल हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग सभी मेटल्स पे बनी जरूर है, चाहे सोने चांदी की बात कर ले चाहे बेस मेटल की बात कर ले, बट अभी भी ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं दिखाई दे रहा। तो अनलेस एंड अंटिल जो की लेवल्स है लाइक 503 के नीचे कॉपर, 170 के नीचे जिंक, 980 के नीचे एल्यूमिनियम, लेड 145 के नीचे एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो 135 के, जब तक ये की लेवल्स नहीं तोड़ता है प्राइसेस एक रेंज में ही रहेंगे, बेटर बाय ऑन ड्रॉप शुड बी दी स्ट्रेटजी। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो आज हमने हायर लेवल्स के बाद थोड़ा बहुत पुल बैक हमने गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में आते हुए देख पा रहे, क्योंकि टेक्निकली मार्केट ओवरबॉट जोन में आ चुका है, तो कहीं ना कहीं अंदेशा है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल जाएगा। क्रूड अभी भी हम एक रेंज में देख रहे हैं, 40 से लेकर 43 के बीच में WTI ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, 45 के ऊपर ब्रेंट जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, जबकि नेचुरल गैस में अच्छा खासा उछाल दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिए 130-32 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट, अगर ये लेवल तोड़ता है तो हम फर्दर तेजी देख पाएंगे। वीक्स इंडेक्स में बढ़त है, उसके बावजूद इक्विटी में थोड़ा सा एक बूस्ट मिल रहा है, जिस दिन से फाइजर और यूएस की जो डील है जहाँ पे कोविड की मेडिसिन के ऊपर काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये मार्केट में तेजी है, बट अभी भी केसेस जो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं उसकी वजह से कंसर्न्स बना हुआ, साथ में यूएस और चाइना के बीच में तनाव है वो भी वीक्स को बढ़ा रखा है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है जो कहीं ना कहीं पूरे मेटल पैक को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। आज एलएमई की बात करें तो एलएमई पर कोई मेजर चेंजेस नहीं है, मार्केट फ्लैटिस्ट टोन के साथ ही ट्रेड कर रहा है, जबकि डॉलर इंडेक्स 95 के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेटा पॉइंट की बात करें तो कल के सेशन में हमने क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री में बढ़ोतरी आते हुए देखी थी, जिसके चलते प्राइसेस एक रेंज में ही था, बट ओवरऑल आज का व्यू थोड़ा सा साइडवे टू नेगेटिव रहने की उम्मीद है। यूएस से अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम फ्लैट है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंट ईरो से थोड़ा से इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लीडिंग इंडिकेटर भी थोड़ा सा ड्रॉप दिखा रहा, तो ओवरऑल डेटा पॉइंट कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेचुरल गैस की इन्वेंट्री है जिसमें ड्रॉप दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। चार्टिकली अगर बात करें तो गोल्ड थोड़ा सा बी अलर्ट रही है, क्योंकि अवर्ली चार्ट पे कहीं ना कहीं डाइवर्शंस दिखा रहा है, प्राइसेस हाई नया हाई मार रहा है, बट RSI में ड्रॉप है जो डाइवर्शंस का संकेत देती है, प्राइसेस में एक पुल बैक एक फॉल देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में गिरावट है, बट लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म अभी भी सोने में तेजी है, जो 51,000 से 52,000 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं चांदी में भी सेम वे हमने देखा नया हाई बनते हुए देखा, बट डाइवर्शंस दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। तो आज अगर 60,000 का लेवल सिल्वर तोड़ देता है तो हम 57,500 से 58,000 का भी एक स्पाइक देख सकते हैं नीचे की तरफ। वहीं इंटरनेशनल की भी अगर बात करें तो इंटरनेशनल में $23 के नीचे सिल्वर है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है एक पुल बैक दिखा सकता है। नेचुरल गैस में एक बाउंस दिखा रहा है मार्केट 1.75 तक, जिसके चलते हमें लगता है आज तेजी का रुख रहेगा, इन्वेंट्री भी सपोर्टिव दिखा रही है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल में आपको कमोडिटी से रिलेटेड सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।